जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमाने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा कब से है तुम्हारा बेटे? हार्वर्ड से लौटे हो तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, अभी तक तुमने ऑफिस में कदम नहीं रखा। ये रात को तुम जो जाकर ये बेकार की हरकतें करते हो ना, ये सब गलत है। पेंटिंग मेरा शौक नहीं है, मेरी जिंदगी है। जिंदगी का मकसद है तो जाहिर है वो बेकार नहीं हो सकता। बड़ों को जवाब देना कब से सीख लिया विशाल? बोलने दो इसे गायत्री, आज पहली बार ये अपने बाप के सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। हम भी तो जरा जाने इसके दिल में क्या है। बाबू जी, मैं एक कलाकार हूं। कला मेरी आत्मा की आवाज बाहर आने देती है। ये आवाज वगैरह इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? खुशी, सुख, चैन। जब मेरे दिल की चिंगारी मेरे दिमाग में तूफान बनकर पहुंचती है तो मेरे ख्यालात, जज्बात पंछी बनकर उड़ने लगते हैं। पंछी बनकर उड़ने लगते हैं?
ये सब शायराना बातें हैं, ये किताबों में ठीक लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में सिर्फ ये चलता है, ये। मैं अपनी कला को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। यानी कि तुम अपने जगमगाते मुस्तकबिल को ठोकर मार देना चाहते हो? तुम अपनी कामयाबी के रोशन रास्ते को छोड़कर एक एक पथरीली राह को अपनाना चाहते हो? बेटे, हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं कि जिसने भी कला और फनकारी का रास्ता अपनाया है, उसके नसीब में सिर्फ भूख है, भूख। लेकिन इस भूख के साथ साथ मन का सुख भी मिलता है। मतलब तुम फैसला कर चुके हो? इस घर में फैसला करने का इख्तियार सिर्फ आपका है, मैं तो सिर्फ इजाजत मांग रहा हूँ। यानी कि तुम हमसे अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत मांग रहे हो, और ये उम्मीद रखते हो कि हम ये इजाजत दे देंगे? हमने अपनी जो ये इंडस्ट्री, अपना धंधा, ये कारोबार, इसे जो बढ़ाया है, इसे बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार, बड़े लगन से किया है हमने ये। I worked day and night for it, very hard, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस काबिल हो कि इस धंधे को आगे बढ़ा सको। Yes. बाबूजी, आपकी उम्मीद और मेरी चाहत के दरमियान एक लंबा फासला है जो मैं तय नहीं कर पाऊंगा। जानता हूं मैं आपको मायूस कर रहा हूं, I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। पर एक दिन मैं कामयाब पेंटर बनकर अपने फन को साबित कर दूंगा। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हम तुम्हें ये आशीर्वाद नहीं दे सकते। मैं जानता हूं मैं आपका हुक्म नहीं टाल सकता। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगा। अगर बाबूजी मरते दम तक ये दुख मुझे सताएगा कि मेरे बाबूजी ने खुद मुझे और मेरी कला को दौलत की सलीब पर कुर्बान कर दिया। ठहरो! हमने कभी जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लिया। हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा सोचो कि हमने तुम्हें किसी सूली पर चढ़ा दिया। नहीं, तुम्हें इजाजत चाहिए दी हमने, हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 3 महीने में साबित करना पड़ेगा कि तुम इस काबिल हो, कि तुम अपने फन में कामयाब हो सकते हो। नहीं तो वो सब भूल कर सीधी तरह से ऑफिस में आ जाना। लेकिन यार वो माने कैसे? आज सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने अपनी ख्वाहिश का खुलकर इजहार कर दिया। वेरी गुड, व्हाट वेरी गुड, और बिगड़े बहुत गर्म हो गए। पर मुझे अपने फैसले पर अटल देखकर मान गए। वेरी नाइस यार, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अरे बैठ क्यों गया, खड़ा हो यार।
नहीं एक प्रॉब्लम है। अरे तो प्रॉब्लम खड़े हो के बोलना, बैठने की क्या जरूरत है? नहीं यार मैं बैठकर ही प्रॉब्लम बताऊंगा। अरे देख यार कोई देख लेगा, खड़ा हो। देखने दे तू, बैठ मैं चलता हूँ। अरे सुन तो अहमद। अरे अहमद ये सचमुच चला था। दौड़ाएगा मुझे, दौड़ाएगा। ठीक है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बाबूजी ने एक शर्त रखी है, मुझे अपने आप को 3 महीने में प्रूफ करना है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो बाबूजी अपने बिजनेस में मुझे दिलचस्पी लेने के लिए नहीं कहेंगे जिंदगी भर। लेकिन यार ये 3 महीने तो बहुत कम है। हाँ यार वो तो है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू फिक्र मत कर यार, कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अच्छा यार ये बता, तेरे पास तेरी बनाई हुई टोटल पेंटिंग्स कितनी होंगी? 70-80 होंगी। वेरी गुड। और उसमें से ऐसी कितनी पेंटिंग्स हैं जिसमें तू कॉन्फिडेंट है? 20-25 तो निकल आएंगी। वेरी गुड यार, दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। हम इन सारी पेंटिंग की एक एग्जीबिशन करेंगे। एग्जीबिशन? यार तू पागल हो गया, मैं नया पेंटर हूँ, मेरी एग्जीबिशन देखने कौन आएगा? अरे नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे यार, तू फिक्र क्यों करता है। तेरी एग्जीबिशन में हम कुछ आर्ट क्रिटिक्स को बुलवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो तेरी पेंटिंग्स पर अच्छे रिव्यूज लिखेंगे। अगर एक बार ऐसा हो गया ना तो तू देख रातों रात एक बहुत बड़ा पेंटर बन जाएगा। भाई साहब ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों? पासा उल्टा भी तो पड़ सकता है। तुझे अपनी कला पे भरोसा नहीं है क्या? अहमद भरोसे की बात नहीं है, भरोसा तो है। फिर क्यों डरता है? तू देख ना, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, वक्त बहुत कम है। और तू साथ में ये क्यों भूलता है यार, तेरे लिए उठने वाले दुआओं के हाथ बहुत हैं। तू कूद पड़ मैदान जंग में, सब ठीक हो जाएगा, फतेह हमारी होगी। अल्लाह الله أكبر नमाज हो चुकी होगी गुलखान, बस आते ही होंगे। नमाज तो खत्म हुए, आधा घंटा हो गया है। एक तो कमबख्त हफ्ते में एक बार आता है जुमे के रोज, और वो भी देर से आता है। पिछले 20 साल से बिला नागा आते हैं, आज क्यों देर से आएंगे? आखिर वो आपके पुराने दोस्त जो है। तो कमबख्त आ भी गया है। ओह माय गॉड क्या लंबी उम्र आ गया। आइए 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 ऊपर झांसा कर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाभी जान सलाम। सलाम आइए। भाभी जान बहुत जबरदस्त भूख लग रही है, फौरन खाना खिलाओ। भाई जान आप बैठिए तो सही, आपके गप्पे शुरू ना हुए कि खाना लग गया। मैं अभी आती हूँ। वक्त का कभी ख्याल नहीं रखता है, जब देखो आते आधा घंटा देर से आते हो। अभी टाइम पे भी आए तुम। ओए यारा वो अलमिया से अजजी कर रहा था तो तेरे फौलादी दिल में वो थोड़ा नरमी भर दे। बस हो गया, वक्त निकल गया यार। बात क्या है, कोई ऐसा वैसा बात हुआ है क्या? यार हमारे बेटे विशाल ने क्या क्या विशाल ने विशाल ने हमें फैसला सुना दिया। फैसला? क्या बोला? कि वो हमारे खानदान के धंधे में शामिल नहीं। वो तो क्या करना चाहते है? पेंटर बनना चाहता है, चित्रकारी करना चाहता है, कलाकार, ये तस्वीर बनाएगा वो। तूने उसको मना नहीं किया? क्या समझाया भी उसे, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार उसने हमारे सामने जुबान खोलने की जरूरत की। गुल खुदा मेरी कसम, सच हमने अपने बच्चों की परवरिश में कोई
अपनी कसर रखी है, कमी है। शमशेर, ओ यारा, तूने आज एक नमाजी आदमी को सच बोलने को कहा है ना, तो सच सुनने की हिम्मत रखना यार। देख, कसर तो रह गई है यार, क्योंकि तूने जिंदगी भर अपनी मर्जी से काम किया, इस घर में रहने वाले तमाम लोगों पर अपनी ख्वाहिशात को जबरदस्ती थोपा है। अरे तो हमने जो कुछ भी किया है उनके प्यार को मद्देनजर रखकर किया है, क्या हमारे बच्चों का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने माँ बाप का कहना माने? हमारी जो पोजीशन है, हम जिस मुकाम पर आज हैं, क्यों हैं हम? क्योंकि हमने अपने माँ बाप का कहा कभी नहीं टाला, कभी नहीं। निकल गए वो जमाने, निकल गए, चले गए, दफा हो गए। एक बात बता, तेरे अब्बाजान ने तेरे को विलायत भेजा था, नहीं भेजा था? तूने भेजा कि नहीं भेजा? हाँ हाँ, अमेरिका भेजा था हमने, हार्वर्ड भेजा था, उसे MBA बनने के लिए भेजा था, उसे पेंटिंग करवाने के लिए नहीं भेजा था। मैं खाक जानता हूं कि विलायत क्या है, कि MBA क्या है, कि लंदन क्या है। अच्छा, तूने क्या बोला? मैंने उसे 3 महीने की मोहलत दी, अगर उसमें कामयाब हो जाए लेकिन नहीं होता वापस हमारे धंधे में शामिल होगा। यार, जिंदगी में पहली बार तूने दिमाग से नहीं दिल से काम लिया है, अब मैं भी अपने खुदा से दुआ मांगेगा। एक खुदा, हमारे विशाल को कामयाबी बख्शना। ठीक है, करता तो सब कुछ खुदा ही है, खुदा भी कुछ इख्तियार अपने बंदों को दे रखता है। हम अपने विशाल को अपने आप से अलग नहीं होने देंगे, कभी अलग नहीं होने देंगे। भैया, आपके एग्जीबिशन का क्या हुआ? पेंटिंग्स तो मैंने सिलेक्ट कर ली है सिमो, अब कुछ क्रिटिक्स को बुलाने का इरादा है। अगर वो मेरे बारे में फेवरेबल रिव्यू छाप देते हैं, then I'm made. इस दुनिया में एक नए कलाकार का जन्म हो जाएगा। फिक्र मत करो भैया, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए सिमो, ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं तो हार जाऊंगा, बाबूजी से ही नहीं अपने आप से भी। भैया, शिकस्त की बात करोगे तो शिकस्त ही मिलेगी, कामयाबी की बात करो कामयाबी जरूर हासिल होगी। वैसे भैया, बाबूजी से बात करके आप अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हो। जब आप दोनों में बहस चल रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है, लेकिन जिंदगी में पहली बार बाबूजी ने किसी की बात मानी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मैं इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया, पर हिम्मत जुटानी जरूरी थी, वरना मेरे अंदर का कलाकार बाबूजी के बिजनेस की 4 दीवारी में दम तोड़ देता। आज उसे नई जिंदगी मिली है, देखते हैं क्या होता है। भैया, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगी और उसे इतना मस्का लगाऊंगी कि वो पट जाए और आपको कामयाबी जरूर मिले। थैंक्स सिमो, थैंक्स। भगवान करे हर भाई को तेरे जैसी प्यारी बहन मिले। फिल्मों में क्या कहते हैं, भगवान करे हर बहन को आप जैसा भाई मिले। मालिक, अहमद, अहमद पुतुल, ओ यार किधर है तू? जी बाबा जानी, आया। सलामुअलैकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या कर रहा था तू? वही कर रहा था बाबा जानी जो रोज करता हूँ। हाँ पुत्र, और कितनी बार तुझसे कहा है अपने लिए खूबसूरत सा अच्छा सा लड़की ढूंढ ले, मैं तेरा निकाह पढ़वा देता है कम वक्त, ये मुसीबत से तो बचेगा तू। बाबा जान, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। अच्छा, आज आप शमशेर चाचा के यहाँ गए थे? ओ यारा, ये कौन सी नई बात है, जिंदगी गुजर गई, हर जुमे को जुमे जाना ही पड़ता है, आज भी गया था वहाँ पे। आपको कुछ पता चला? उन्होंने विशाल को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की इजाजत दे दी है। आओ, शमशेर कुछ कह रहा था ऐसा ही, तुझे क्या लगता है वो
विशाल कामयाब होएगा इसमें? बाबा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अल्लाह मियां से दुआ करेगा उसको कामयाबी बख्शे। आमीन। बाबूजी हम गुल चाचा के घर जा रहे हैं अहमद को राखी बांधने। विशाल को राखी बांध दी? हाँ जी। ठीक है जाओ और कुप्पी को साथ ले जाओ। ठीक है। भाई जी हजारों बार मना करने पर भी घर में आने की हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? क्या करूं भाई जी, मेरे तो माँ बाप भाई सब आप ही हैं। सारा साल तो अपने दिल को रोके रखती हूँ लेकिन आज के दिन दिल आपकी शक्ल देखने को तड़प उठता है। मैं कैसे भूल जाऊं कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, कि हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। खून के रिश्ते की बात मत करो करुणा, तुम्हारे चेहरे पर जचती नहीं है। वो रिश्ता कहां गया था जब तुम हमारे खानदान के नाम पर कालक पोत कर अपनी शराबी प्रेमी के साथ भागे थे? अपने भाई के लिए तुम राखी लेकर आती हो हर साल, उसके इज्जत से भरोसे को ठोकर मारकर चली गई थी, तब खून का रिश्ता कहां था? मेरी उस छोटी सी गलती की मुझे कब तक सजा देते रहेंगे भाई जी? छोटी सी गलती नहीं है, जिसे तुम छोटी सी गलती कहती हो वो हमारे दिल का कैसा जख्म है जो वक्त के साथ साथ और भी गहरा होता जा रहा है। पिताजी के गुजर जाने के बाद हमने तुम्हें अपने हाथों से अपनी औलाद की तरह रखा, अपने दिल में अपने बेटे की तरह जगह दी थी, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। तुम भाग गई अपने उस शराबी प्रेमी के साथ। हमने तभी फैसला कर लिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और शमशेर आज जिसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता है उसे दोबारा लौटने का मौका फिर नहीं देता, कभी नहीं। चली जाओ यहां से। Shut up!